गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास अकाउंट के हमने यहाँ तक लास्ट में सॉल्व किया था, तो यहाँ पर रोकड़ 36,000 है, माल 13,000 है, कमीशन 10,000 है और डिविडेंड 9,000 है। ये तीनों की शेष हम आगे ले जाएंगे। पूंजी हमारी टोटल मिला के 59,000 है और दायित्व है 8,900, तो वो हम आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले पूंजी लिख रहे हैं, बीच में ये होता है एसेट्स, मतलब संपत्ति इक्वल टू पूंजी, जिसको सी के नाम से जाना जाता है, प्लस एल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बराबर है। अब शेष हम आगे लाएंगे, तो पूंजी टोटल मिला के है 59,000 और दायित्व दो प्रकार के हैं, एक दायित्व 8,000 का है और एक दायित्व 1,000 का है। वो दायित्व एक 8,000 का है वो बका है, और 1,000 का है वो मजदूरी का है। उसके बाद रोकड़ 36, माल 13, कमीशन 10, फर्नीचर 10,000। तो हम यहाँ पर रोकड़ लिखेंगे, रोकड़ 36,000, माल 13,000, फर्नीचर 10,000 का। और भी एक शेष है, डिविडेंड मिलना बाकी 9,000, तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड मिलना शेष 9,000। आठ हज़ार का यंत्र खरीदा, तो यहाँ पर यंत्र खरीदा है, व्यक्ति का नाम नहीं है, मतलब रोकड़ से खरीदा है, तो रोकड़ जा रही है, यंत्र आ रहा है। रोकड़ भी संपत्ति और यंत्र भी संपत्ति है, तो रोकड़ जा रही है, कितनी रोकड़ जा रही है, तो यंत्र 8,000 का खरीदा, तो 8,000 रोकड़ जा रही है, यंत्र खरीदा उसके, 8,000 की रोकड़ में कमी होगी, तो यहाँ पर होंगे 28,000 और यहाँ पर होंगे यंत्र संपत्ति आई ना, नई संपत्ति, तो यंत्र 8,000 का आया। यंत्र में वृद्धि और रोकड़ में कमी, दोनों एक ही बाजू पर एंट्री होगी, रोकड़ जा रही और यंत्र आ रहा है, और कहीं पर प्रविष्टि होगी। अब हम दोनों बाजू का टोटल करेंगे, तो ये टोटल है 9,000 का दायित्व, पूंजी है 59,000, कितने हुए दोनों मिला के 68,000, तो यहाँ पर भी दोनों मिला के कितने होंगे 68, ये सब भी 68,000 है, 10,000 और ये 8, 8, 16, 17, यानी 10 और 17, 27, 27 और 3, 30, 40, 50, 60, 60,000 और ये 68,000 बराबर। फिर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब आगे के व्यवहार के लिए ऊपर से रोकड़ नीचे उतारेंगे, ऊपर रोकड़ कितनी हुई 28,000, अंदर लिखेंगे, उसके बाद यंत्र 8,000 का व्यवसाय में आया, फर्नीचर व्यवसाय में 10,000 का था, और एक रह गया ना माल, तो यहाँ पर माल 13,000, 8,000, 10,000 डिविडेंड मिलना शेष 9,000। यहाँ पर पूंजी 69,000, यहाँ पर दायित्व एक ब के नाम का है 8,000, मजदूरी 1,000 बराबर। आगे देखेंगे व्यवहार को। 25,000 की ज़मीन राधा के पास से खरीदी, ज़मीन खरीदी तो ज़मीन आ रही है, रोकड़ जा रही है नहीं, राधा के पास से खरीदी, राधा कौन है, देने वाली, कर्ज हुआ, व्यक्ति का नाम आया तो क्या होता है, कर्ज। तो व्यवसाय में ज़मीन आ रही है, व्यवसाय में ज़मीन आ रही है पर पैसा जा रहा नहीं है। यहाँ पर यंत्र में रोकड़ आ रही, रोकड़ भी जा रही थी और संयंत्र आ रहा था, एक ही जगह एंट्री हुई, ज़मीन आ रही है पर पैसा नहीं जा रहा है, कोई कमी नहीं हो रही, उल्टा कर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर और किसी में कोई प्रविष्टि होगी नहीं, रोकड़ बाहर निकाल देंगे। ओके, ज़मीन कितने की खरीदी, 25,000 की, तो ज़मीन क्या है, संपत्ति, तो हम यहाँ पर संपत्ति में एंट्री देंगे 28,000। और राधा कौन है, संपत्ति है नहीं, पूंजी है नहीं, वो क्या है, दायित्व। राधा से आपने ज़मीन खरीदी तो राधा कौन है, लेनदार है, तो आपके लेनदार राधा, जिसके पास से आपने ज़मीन खरीदी, आपका कर्ज बना, क्योंकि आपने ज़मीन कैसी खरीदी है, उधार खरीदी। आप टोटल करेंगे,
तो यहाँ का टोटल है 59,000 और यहाँ का टोटल है 9, यानी ये हो गए 34,000। ये दोनों का टोटल होगा 93,000। ये टोटल आप करो तो 93 हो जाएगा। ये सवाल हुआ पूरा। अभी क्या करेंगे, ऊपर से शेष नीचे उतारेंगे। तो ऊपर से रोकड़ कितनी है, अंदर लिखेंगे 28,000। फिर क्या है, यंत्र, ऊपर से यंत्र 8,000 का। फिर क्या है, फर्नीचर 10,000 का। फिर माल 13,000 का। डिविडेंड मिलना शेष, कितने रुपए का डिविडेंड मिलना शेष, 9,000। जमीन 25,000 की। बराबर, ऊपर से हम सभी शेष आगे ले आए हैं। अब यहाँ पर पूंजी ले लेते हैं ऊपर से। ऊपर पूंजी 59 है, यहाँ पर भी 60। दायित्व 3 हो गए। एक बौके नाम का दायित्व है 8,000 का। मजदूरी का दायित्व हुआ 1,000 का। और राधा, जिसके पास से हमने ज़मीन खरीदी, उसका 25,000 का। अब आगे 20,000 की बैंक से लोन ली और रोकड़ निकाली। अब देखो, रोकड़ निकाली शब्द ना होता ना तो भी बैंक से लोन ली, लोन लेते हैं हम लोग घर फ्लैट खरीदने के लिए, गाड़ी खरीद, सब जगह से लोन लेते हैं तो रोकड़ आती है। याद रखना, लोन लेते तो रोकड़ आती है और लोन देते तो रोकड़ जाती है। ऐसा व्यवहार सरोज नामचा में आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे लोन ली, उसके रोकड़ आई। कितनी रोकड़ आई, 20,000। इस तरह से टोटल कितना हुआ, 48,000। लोन से पूंजी बनती है, नहीं, लोन आपने लिए तो आपका कर्ज बनता है। क्या बनता है, दायित्व। आप लिखोगे यहाँ पर ली लोन बैंक से, बराबर कितने रुपए की, 20,000 की। ठीक है, अब यहाँ का टोटल करेंगे। ये टोटल है 113,000, यहाँ का टोटल 59,000 और यहाँ का टोटल है 54,000। बराबर प्लस इक्वल टू, कैसे भी करके इन दोनों का, दोनों बाजू, ये दो पक्ष, एक पक्ष ये है और एक पक्ष है, दोनों बाजू का टोटल हमेशा मिल जाता है। यहाँ पर आपका ये सवाल हुआ पूरा। स्वाध्याय में एक सवाल दिया हुआ है, वैसा सवाल आपको करना है। तो आपको होमवर्क दिया जाता है स्वाध्याय का, पेज नंबर 124 कर दूसरा सवाल दिया गया, वो करना है। बराबर है, आज के लिए यहाँ तक। स्वाध्याय पेज नंबर 124 पर दूसरा जो सवाल है वो आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पर ये लेसन पूरा होगा। किसी को अगर कोई प्रश्न होगा तो वो आपको करना है स्कूल में, कि या कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है। फिर एक दिन आपको किसी को भी क्लियर हो, डाउट होगा, तो उसके लिए हम वापस में कोई समायोजन, कोई रोजनामचा में एंट्री बताऊँगी मैं वीडियो के द्वारा।